दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 8 सितंबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेविन। मैं मंगल, आपका दोस्त। मेरा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9956685551। आज का संभाषण सुनिए। देश में, दुनिया में जो हालातें चल रही हैं, उस संदर्भ में ही हमारा ये संभाषण होता है, वीडियो होता है। सुनो दोस्तों, हमारी ये वीडियो सिंपल से होते हैं, लेकिन इसके पीछे हजारों चैनल्स का सार है, हजारों किताबों का सार है, हजारों अनुभवों का, एक्सपेरिमेंट्स का, तपस्या का सार है। ये शब्द हमारे वैसे ही नहीं निकलते। चलो आगे सुनो। चाहे वामन मेश्राम, चंद्रशेखर एंड कंपनी हो, चाहे वामन मेश्राम, चंद्रशेखर एंड कंपनी हो, चाहे टिकेट चढ़ोनी एंड कंपनी हो, चाहे मोदी साहब भागवत एंड कंपनी हो, चाहे मोदी साहब भागवत एंड कंपनी हो, मेरे बिना कोई नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकेगा। चाहे वामन मेश्राम, चंद्रशेखर एंड कंपनी हो, चाहे टिकेट चिढ़ोनी एंड कंपनी हो, चाहे मोदी साहब भागवत एंड कंपनी हो, मेरे बिना कोई नहीं जीत सकेगा। लेकिन मारे सब जाएंगे, लाचार सब बन जाएंगे, लेकिन मारे सब जाएंगे, लाचार सब बन जाएंगे। भाई ये किसने कहा, कौन बोल रहा है? वही जो मैं डेली आपको बोलता हूँ कि ये एक देव बोल रहा है, ये जन जन बोल रहा है, ये मंगल भी बोल रहा है, आपको बोलकर सुना रहा है। चाहे कोई कितना ही कोशिश कर ले, इनमें से कोई नहीं जीत सकता, लेकिन मारे सब जाएंगे, लाचार सब बन जाएंगे, मेरे बिना, उसने कहा, दिव्य शक्ति ने कहा, मेरे बिना। भाई दिव्य शक्ति, दिव्य शक्ति है ये, वही शक्ति है जो सारे संसार को चलाती है, ब्रह्मांड को चलाती है। सुना, दूसरा सुनिए। मनुवाद की लाश को मत खींचते फिरो दोस्तों, मनुवाद की लाश को मत खींचते फिरो दोस्तों। ये मनुवाद तो ऊपर पहुंच चुका, मुर्दों को जिंदा नहीं किया जा सकता। बहुत दिन चल लिया, 5000 साल चल लिया, और कितना चलाओगे? अभी भी चलता यदि जिंदा रहता तो। लेकिन तुमको पता नहीं कि मनुवाद तो भारत से मर चुका। इस लाश के साथ चिपक करके अपने को जिंदा लाश मत बना देना। इस लाश के साथ चिपक करके, इसके साथ फपक फपक कर रो करके अपने को जिंदा लाश मत बना देना। तुमको अच्छा लगे या बुरा, मैं बचता हूँ किसी का दिल दुखाने से, लेकिन वह चीज़ जो फैक्ट है और जो सबके भले भले के लिए, वह मुझे कहना भी पड़ता है। मनुवाद की लाश को मत खींचते फिरिए, ये तो ऊपर जा चुका, इसका तो समय गया। अपने को नुकसान में मत दीजिए। दूसरा सुनिए, ये टिकेट साहब, ये चिडुनी साहब, न तो राजनीति करना जानते हैं, न प्रदर्शन करना जानते हैं। देखो भाई, किसी के बुरा लगे, आई एम वेरी सॉरी, मैं छोटा सा अनजान सा आदमी हूँ और मुझे कोई ऊपर आने की कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मैं ईश्वर विश्वासी हूँ। ईश्वर जिसको चढ़ाएगा चढ़ा देगा, उसके बड़े अनंत रास्ते हैं। टिकेट और चिडुनी साहब न तो राजनीति करना जानते हैं, न प्रदर्शन करना। यह मैं कड़वे शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इनको क्या सबको ही प्रेम करता हूँ, सबका भला भला चाहता हूँ। यदि टिकेट और चिडुनी साहब राजनीति और प्रदर्शन करना जानते तो भारत की आज तकदीर ऐसी नहीं होती जो हम आज हालत देख रहे हैं, वह दिसंबर 2021 में बदल जाती।
अब ये क्या है, हम बोलते रहते हैं इस बारे में, और कुछ एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ये वामन मिश्राम और ये चंद्रशेखर अकेले अकेले सफल नहीं हो सकते। ये वामन मिश्राम, ये चंद्रशेखर अकेले अकेले सफल नहीं हो सकते। इनका अकेला अकेला रास्ता एक खूनी रास्ता है। ये PFI, ये PFI पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया, ये सिखिज्म को तो विशेष सावधानी और बदलाव की जरूरत है। ये पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया एंड सिखिज्म को तो विशेष सावधानी और बदलाव की जरूरत है। बदलाव क्या? बदलाव परिस्थितियों का। अब इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। ये हमने कैसे लिखा, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो हम कह रहे हैं। आगे सुनिए, इन सब का और अन्य बहुत से प्रश्नों का, इन सब का और अन्य बहुत से प्रश्नों का एक ही उपाय है, एक ही उत्तर है, एक ही इलाज है, एक ही उपाय है, और उसका नाम है मिशन ग्रेट इंडिया का ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। इन सब का और अन्य बहुत से प्रश्नों का एक ही उत्तर है, एक ही उपाय, एक ही इलाज है, और उसका नाम है मिशन ग्रेट इंडिया का ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि यह ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु, ये बुद्धा, ये सत्य विज्ञान प्रेम परोपकार संकल्प और पता नहीं कितने कितने टूल से बना गया एक इंस्ट्रूमेंट्स है इत्यादि द्वारा अनुमोदित है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यह ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धा सत्य विज्ञान प्रेम परोपकार और कितने कितने फैक्टर से बनाया हुआ एक विशेष प्रोडक्ट है। यह यूनिक है, चलेगा तो यही लिख लो, चाहे इसको आज मानो, चाहे बड़ा नुकसान उठाने के बाद मानो, होना तो ऐसा ही है। देश के लोगों में जरा भी बुद्धिमत्ता होगी तो लोग अभी आ जाएंगे, लेकिन सबके अपने अपने कर्म हैं तो वे लेट आएंगे, छत विक्षत होकर आएंगे, चोट खाकर आएंगे, तो भी आएंगे तो यहीं पर, कहाँ? मिशन ग्रेट इंडिया का ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। दोस्तों, मैं देश की भलाई के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, मैं कोई आपके प्रति कोई अपमान नहीं करता, लेकिन बुरा नहीं माने तो मैं एक बात कहूँ, मुझे इस समय वो भंते रत्न याद आते हैं, भंते रत्न याद आते हैं जो किसान आंदोलन के बीच में उन्होंने कहा था कि हमारे ये जाट भाई बहुत सीधे साधे हैं, भूले हैं, लेकिन राबड़ी पीने ने इनकी बुद्धि को थोड़ा, राबड़ी पीते रहते हैं और ये उनकी बुद्धि थोड़ी मोटी है। ये जाट भाई, ये अजगरम भाई जो किसान आंदोलन में आगे आगे थे, जाट गुर्जर अहीर पटेल मीणा राजपूत, ये कभी तो अपने को उच्च कोटि का हिंस के साथ समझते हैं, कभी वो समझते हैं कि नहीं तो यार हम तो इनमें से आए हैं, क्योंकि ये ऐसी पोजीशन में देश की राजनीति का, देश के अर्थ का, देश का सब कुछ का दारोमदार इस पर है कि ये अजगरम ग्रुप क्या क्या करता है। ये इधर गया तो ये जीते, इधर गया तो ये जीते, ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हम क्या करें। नीचे LOBC वाले, लोअर OBC वाले, उनके विचारों की कुछ चलती नहीं, और बहुत से फैक्टर हैं यहाँ। आज मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के ऊपर आज हमारे सभी ग्रुप्स की, मिशन ग्रेट इंडिया के सभी वेल विशर्स की, सभी व्यूअर्स की शाम को 7:30 ऑल इंडिया डिजिटल मीटिंग है।
कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी अपने विचार प्रकट कर सकता है। ये वह प्रोग्राम है जिसके पास पूरे भारत के भविष्य की चाबी इसके पास है। ये अभी सिद्ध हो जाएगा, वरना सबका कस्टमर निकल जाएगा, चाहे वो चंद्रशेखर बामन मिश्राम एंड कंपनी हो, चाहे टिकेट चिढ़ोनी एंड कंपनी हो, चाहे मोदी साहब भागवत एंड कंपनी हो, चाहे PFI हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे कुछ भी, देश में हाहाकार मच जाएगा। इसका डिजाइन ही देव शक्ति ने ऐसा किया है कि सबका भला भला होगा। और यह ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट एक झलक है, एक सिर्फ एक झलक है। इसका विस्तृत विवरण तो अभी आना बाकी है, बड़ी देव शक्तियों ने इसको तैयार किया है। इसकी कॉपी किसी के पास नहीं है तो मुझे बोल दीजिए, मैंने भेज दिए। इसको कई कई बार पढ़ करके शाम को तैयार होकर आइए, इसको सुनने के लिए, मीटिंग को सुनने के लिए भी, और इसमें विचार प्रकट करने के लिए भी। आज की मीटिंग एक्सक्लूसिवली सिर्फ इस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट पर होगी, जो देश का भाग्य है, देश की आशा है, जो देश में राज करने जा रहा है उसी से देश को रास्ता मिलेगा। वरना ये सब लोग एक दूसरे को बर्बाद कर लेंगे, कर देंगे खुद को। ईश्वर करे कि देश की जनता को सही रास्ता मिले, हमें मिले। ऐसे जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या रास्ता है जिस पर चलने से सबका भला होगा और देश खून खच्चर से बच जाएगा। वरना आगे तो भगदड़, सिविल वार, कास्ट वार, वर्ल्ड वार होगा यदि नहीं माने तो। और यदि लोग चेतेर इधर को आए तो सब कुछ अच्छा होगा। आज हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ज़्यादा होगा। एक भाई हमारे छत्तीसगढ़ के रवि भाई 10,000 पंपलेट छपाने की बात कर रहे हैं। भारत के श्री सौमवीर कादियान जी भी 2-5,000 पंपलेट छपाने की बात करते हैं। लोक सेवक जी, मिश्रा जी, विनीत गुप्ता जी, गोस्वामी जी और ममता सिंह जी और सैकड़ों लोग हैं जो वेलविशर के हैं, इसमें जो सेंट्रल कमेटी में हैं, तो सब आगे आगे करेंगे, करना ही पड़ेगा। दीज आर दी फोरनर्स ऑफ इंडिया, ऐसा ही होगा। देश तो कंबाइंड रूप से चेतेगा, जब चेतेगा लोग इंडिविजुअली आप चेत जाओ, आपका व्यक्तिगत बचाव तभी होगा, फैमिली का बचाव तभी होगा जब एक सही रास्ते पर आप चलेंगे। और वह सही रास्ता क्या होगा? वह परमात्मा का रास्ता होगा, ईश्वर अलग गॉड गुरु का रास्ता होगा, वह बुद्ध का रास्ता होगा, सत्य विज्ञान प्रेम और परोपकार का रास्ता होगा, वह संकल्प का रास्ता होगा, ऐसा ही होगा। आज इतना ही, जय हिंद, जय भारत।